डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 17। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने की कोशिश की है। पाई पेरा चेंज, जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से पर्सन थे, उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम के लिए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट को ज्वाइन नहीं किया तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में गत वर्ष अप्रैल महीने में संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है सह अस्तित्व
की भावना, उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध बंद है, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमरीकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा न करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा स्टॉप।